तो डे वन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग हम जा रहे हैं, ये आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और जो जो पढ़ूंगा मैं बताऊंगा। आज पहला दिन है तो हम बेसिक ऑफ फॉरेक्स मार्केट सीखेंगे, पेयर क्या होता है, पिप क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो चलो चलते हैं, 10:20 से क्लास है। और चलो, बॉबी भैया ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, अभी 10 मिनट ही बचे हैं, तो चलो भाई जहाँ हम सीखने जाते हैं। ठीक है, सामने बिल्डिंग है, मेरे सामने अभी भी सामने है, ठीक है, तो हमको अच्छे से फोकस करना है आप ट्रेडिंग पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में 2-3 बेनिफिट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ तुमको लेवरेज मिल जाता है और प्रॉफिट्स मिल जाती है। तुमको 5,000 में 8 लाख का अकाउंट मिल जाएगा, 10,000 में 16 लाख का अकाउंट मिल जाएगा, ये इंडियन मार्केट में मिसिंग है, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अभी इंडियन मार्केट छोड़ दिया है, मैं इंडियन मार्केट में देखते रहता हूँ, बस फॉरेक्स मार्केट करते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे हमारे पास पैसा आ जाए। और अगर मैं हार अक्कल हुआ बेसहार अक्कल मैं गिर के, देखो यहाँ सबसे बढ़िया बात यही है कि नज़दीकी ऑफिस है, ठीक है, तो हम जल्दी जा सकते हैं, हमारे आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, जैसा कि अभी भी नहीं हो रहा है और मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया जगह है, बता यहाँ पर क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पर ये लिफ्ट है, अभी पीक टाइम है मॉर्निंग का, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए रहते हैं। भाई हमको तो टाइम बचाना है, हम लिफ्ट का वेट नहीं करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं और लिफ्ट आती भी बहुत देर में है, तो इससे अच्छा हम चल ही जाते हैं, ठीक है, चलने की आदत होनी चाहिए यार। सीढ़ियों पर चलते चलते मैं यही बोल रहा था कि मुझे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है तो सीखनी है। तभी हमको मौनेश भाई मिलते हैं जो ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट है। ये देखो मौनेश भाई, कि अपना एक टाइम भी एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अभी भी चार्ट देख रहे हो, क्या देख रहे हो? गोल्ड का एनालिसिस, सुबह का मार्केट लिक्विडिटी लेकर ऊपर गया वो देख रहा हूँ बस। आई मिस द एंट्री इन द मॉर्निंग बट इट्स नॉट माई सेशन टाइमिंग टू टेक द एंट्री, सो आई एम जस्ट वॉचिंग द मार्केट नाउ। आई एम ट्राइंग टू टेक द एंट्री इन लंडन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन इन गोल्ड। ज़्यादा ही इंग्लिश होगी, तो भाई बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी लेके गोल्ड ऊपर गया, लेकिन हमारा एंट्री टाइम नहीं था तो हमने एंट्री नहीं करी। तो बैठते हैं भाई के साथ, हमको भी कुछ बता दो भाई, कुछ भी बता दो भाई ट्रेडिंग के बारे में। क्या? हाँ, ट्रेडिंग के बारे में, जो मेरे नए नए लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने आएंगे। ट्रेडिंग में सब लोग ये देखना है कि मार्केट एंट्री पॉइंट के लिए वेट करना, हम ज़्यादा रश नहीं करना, कब तक हमारा सेटअप नहीं मिलेगा उस टाइम तक हम बस मार्केट को देखता रहना। एज ए बिगिनर वी शुड वॉच द मार्केट मोर। आई यूजुअली ट्रेडिंग गोल्ड मोर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू मौकेश भाई, लिख देना कमेंट में, ठीक है, ओपी मौकेश भाई। तो हम पहुंच चुके हैं ऑफिस में, तो लेकिन अभी बॉबी भैया नहीं आए, ये हैं हमारे सर मौनेश सर, अभी सही बोला मौनेश, 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 ऑफिस ही नहीं खुला अभी। हम पहले आगे देखो भाई, सीधा उठ के यहीं पे। आप कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से। आई एम फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर से? बेंगलोर कर्नाटका। अच्छा, महाराष्ट्र से कौन आया था? महाराष्ट्र से विशाल आया था, आयुष आया था और अमित भाई आया था और प्रणय आया था, अभी और एक नया लड़का ऋतिक अभी आया। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर? ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ, मतलब सीखने में क्या अंतर, ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन? ऑफलाइन अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन में हम सब कुछ सीख सकते हैं, किसी भी डाउट है तो हम लाइव में पूछ सकते हैं, वो हमको बहुत यूजफुल होता फ्यूचर में और करियर ग्रोथ में। ओके, फिर कुछ देर बाद हमारे गुरुजी आ गए थे, हम यहाँ 9 बजे आ जाते हैं, फिर हमारा पहला सेशन होता है लंदन सेशन, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग होती है, उसके बाद सब लंच करने चले जाते हैं, जिनको जिनको ऑफिस में बैठना होता है वो वहीं पे बैठे रहते हैं और अपने एनालिसिस करते हैं, जो वो एनालिसिस करते हैं उनको वो कॉपी में लिखना पड़ता है या अपना डेली फॉरकास्ट करना पड़ता है कि वो क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या एनालिसिस कर रहे हैं। फिर जब एनवाई सेशन में बॉबी भाई आते हैं तो वो उससे मैच करते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या गलतियां उन्होंने करी थी एनालिसिस में और क्या क्या चीज़ें ठीक थी। इससे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है और वो ट्रेडिंग में और अच्छा करने लगते हैं। ये सेशन बहुत लंबा चलता है क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट के बारे में भी डिस्कस होता है। अंधेरा हो चुका है, ठीक है, तो चलते हैं, और लिफ्ट भी आ चुकी है। क्या वजह है आपका एनर्जी लेवल बढ़ना? अरे मेरा तो एनर्जी लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, कैसे रही ट्रेडिंग? मैं तो एंट्री नहीं लिया क्योंकि मैं एनएफपी में ट्रेड नहीं करता न्यूज़ के टाइम पे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम मोटिया क्या लेने कुकर बाहर का खा खा के पक चुके हैं, अब घंटों बना रहे हैं, ठीक है। देखो, अकेले रहने में सबसे बड़ा टास्क ये है कि खाना क्या खाएं। एक टाइम तो खा लेगा आदमी बाहर, दो टाइम भी खा लेगा, एक दिन भी खा लेगा, दो दिन भी खा लेगा, लेकिन रोज़ रोज़ खा के परेशान हो जाता है, तो इसलिए हम कुकर लेने जा रहे थे। वहाँ के बच्चे तो टिफ़िन लगा रखा है उन्होंने, तो हम अभी कुकर लेने जा रहे थे, हम दोनों, मैं और मौनेश भाई, और आज से हम घर में ही खाना बनाएंगे। हम यही सोच रहे हैं कि एक टाइम तो हम एटलीस्ट घर में बनाएं ही बनाएं खाना। उसके बाद हमने घर आके खाना बना के खाना खाया, उसके बाद हमको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है जिसमें हमको ये बताना होता है कि आज हमने क्या सीखा।